बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद फिदा। आज का पेपर है डीजी खान बोर्ड का 2019 पेपर, स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सेंटेंस नंबर वन, नॉर्मा शडर्ड एज अ चिल ऑफ हॉरर स्वेप्ट अक्रॉस हर। शडर, कांप जाना। ऑप्शन बी शिवर्ड। नंबर टू, मिस्टर ह्यूबर्ट वॉज अ पीजेंट, किसान को कहते हैं। ऑप्शन सी फार्मर। सेंटेंस नंबर थ्री, द चाइल्ड श्रीक हिस्टेरिकली, लेसन नंबर सेवन में से है, यूज ऑफ फोर्स, हिस्टेरिकली मैडली। सेंटेंस नंबर फोर, द ग्लोरी ऑफ इट्स एंशिएंट थ्रोन वुड बी इंक्रीज, सेंटेंस है चैप्टर नंबर सिक्स द रिवार्ड में से, ग्लोरी शानो शौकत। ऑप्शन सी ग्रेंजियर। सेंटेंस नंबर फाइव, She had magnificent blonde hair. Sentence number seven की लाइन है magnificent, शानदार, splendid आएगा option B. Sentence number six, Cretan wore a trifle old fashioned dress. Trifle जरा सा, मामूली सा, तो यहाँ पर आएगा ordinary. Sentence number seven, The girl began sobbing. First play की लाइन है sobbing, रोना, option B crying. सेंटेंस नंबर एट, आई वॉन्ट टू क्विट एंड गो होम टू सैन फ्रांसिस्को, क्विट छोड़ देना, ऑप्शन सी लीव, ये मिस मकीचियन की लाइन है थर्ड प्ले में से। सेंटेंस नंबर नाइन, व्हाट शुड आई डू ओ गॉड अगेंस्ट, माई नेबर फ्रेंड वाली पोइम है, माई नेबर फ्रेंड ब्रीदिंग इज लास्ट, अगेंस्ट का आएगा टेरिफाइड। थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करते हैं जी। सेंटेंस नंबर नाइन में है वेरीफाइड, ऑप्शन डी। सेंटेंस नंबर टेन, द शेटेड विजाज ले हाफ संक इन द सैंड, लाइन है ओज़िमेंडिस पोइम की, विजाज कहते हैं चेहरे को, ऑप्शन सी आएगा फेस। बी पोर्शन है यहाँ पर करेक्ट यूज ऑफ वर्ब का, सॉरी एमसीक्यूज का। फर्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर इलेवन, देर वॉज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, नौशेरवान वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस, वट वॉज कॉमन इन जिम एंड द वॉच चेन, क्वाइटनेस एंड वैल्यू, वेयर डस क्ले गो टू द बीच, फ्रॉम वेयर इज द गर्ल रिटर्निंग पार्टी, ये फर्स्ट प्ले वाली गर्ल की बात हो रही है। लास्ट पोर्शन है करेक्ट यूज ऑफ वर्ब का, और जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, सब सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। अच्छा जी, कम बैक टू पेपर। सेंटेंस नंबर 16, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वर्ल, जितनी भी कहावतें होती हैं वो या तो सिंपल प्रेजेंट में होती हैं या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होती हैं, तो इट टेक्स टू टू मेक अ क्वर्ल। सेंटेंस नंबर 17, ही सेड दैट ही वाज इल, दैट से पहले अगर पास्ट टेंस है तो दैट के बाद पास्ट टेंस आएगा, अनलेस के यहाँ पे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो यहाँ पर ही सेड दैट ही वाज इल आएगा, ऑप्शन ए। नंबर 18, इफ यू टीज द डॉग इट विल बाइट यू, इफ यू टीज द डॉग इट विल बाइट यू। अब इसमें देखा जाए तो ऑप्शन बी और सी दोनों दुरुस्त हो सकती हैं, इस तरह से कि अगर आप इफ यू टीच द डॉग को कहते हैं कि ये कंडीशन है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, तो फिर यहाँ पर फर्स्ट कंडीशनल बनाते हुए आप यूज कर सकते हैं विल बाइट, ऑप्शन सी। और अगर आप ये समझें कि ये जीरो कंडीशन है तो फिर इफ यू टीच द डॉग इट बाइट्स यू, ये फिक्रा भी बिल्कुल ठीक होगा। बी और सी दोनों ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पर ठीक हैं, तो होता नहीं है ऐसा। बहरहाल या तो पेपर को जब किसी ने टाइप किया है दोबारा बोर्ड के पेपर को, तब कोई मिस्टेक हुई है, तो वरना बोर्ड का सिस्टम बड़ा सख्त है, इस तरह से होता नहीं है। एनीवेज ऐसी सूरत में आपको बच्चों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसा हो जाता है आपकी दफ़ा जिसके चांसेस ना होने के बराबर है, तो फिर बोर्ड का रूल ये है कि बच्चा दोनों ऑप्शन पर टिक करे तो भी ठीक होगा, बच्चा किसी एक पर टिक कर दे तो भी ठीक होगा, बच्चा तीन पे टिक कर दे तो भी ठीक होगा, बच्चा चारों ऑप्शन पे टिक कर दे तो भी ठीक होगा, बच्चा बिल्कुल टिक ना करे तो भी एक नंबर उसको दिया जाता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों दुरुस्त हैं, ऑप्शन सी लगाएंगे तो फिक्रा फर्स्ट कंडीशनल बन जाएगा
ऑप्शन बी लगाएंगे तो जीरो कंडीशनल बन जाएगा। सेंटेंस नंबर 19, ही हैज नॉट येट कंप्लीटेड हिज वर्क। हैज है तो जाहिर है कि बाद में फिर थर्ड फॉर्म आनी है और थर्ड फॉर्म एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। व्हेन द स्कूल बेल रैंग आई डैश माई बाथ। व्हेन है तो व्हेन और व्हाइल वाले फिक्र में अमूमन एक हिस्से में अगर पास्ट इंडेफिनेट टेंस है तो दूसरे में फिर आता है आई एन जी फॉर्म, यानी पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, समटाइम्स यहाँ पे पास्ट परफेक्ट भी आता है, तो पास्ट परफेक्ट का ऑप्शन ही नहीं है। और वैसे भी फिक्रा दुरुस्त अपने मफहूम के अतबार से पास्ट कंटिन्यूस से बनेगा, तो सी दुरुस्त होगा, आई वॉज हैविंग माई बाथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।